तो आप सबको जोहार। और यहाँ पर खबर निकल कर आ रही है कि आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं की सरकार से मांग, मिले केंद्रीय कर्मचारी का दर्जा, यहाँ पर रिटायरमेंट पर मिले 5 लाख का एक मुश्त लाभ। चलिए देख लेते हैं। और यहाँ पर आप उनको क्लियरली भी देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर मीटिंग वगैरह भी बैठाई गई थी और यहाँ पर एक सभा का भी आयोजन किया गया था। यहाँ पर बोला जा रहा है कि खूंटी जिले में सोमवार को आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं ने यहाँ पर अपनी विभिन्न मांगों के समर्थन में धरना दिया है। इस दौरान यहाँ पर सीएम हेमंत सोरेन के नाम से एक ज्ञापन भी छुट्टी यहाँ पर डीसी कार्यालय में दिया गया है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि जिसके जरिए अपील करते हुए कहा है कि आंगनबाड़ी सेविकाओं से पोषाहार का उचार क्रप यहाँ पर कराया जाता है, इसे बंद कराया जाए। पोषाहार की यहाँ पर अग्रिम राशि एवं बकाया पोषाहार के अलावा मानदेय राशि का अविलंब भुगतान हो। पोषाहार का बाजार रेट और सरकारी दर में सामग्री क्रय में बहुत अंतर होता है, उसे सुधार किया जाए। झारखंड प्रदेश आंगनवाड़ी वर्कर्स यूनियन रांची के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष यहाँ पर बाल मुकुंद सिन्हा ने मौके पर चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि बाल विकास परियोजना में देखा जा रहा है कि यहाँ पर पर्यवेक्षिका को एक प्रोजेक्ट में कार्य करते 4 से 8 साल हो रहा है। इतने लंबे समय में एक परियोजना में यहाँ पर पर्यवेक्षिका रहने से कार्य में स्थिरता आती है। यहाँ पर वे मनमाने ढंग से कार्य करती हैं, इसके कारण आंगनवाड़ी केंद्रों का बुरा असर पड़ रहा है। सरकार को चाहिए कि सेविकाओं और सहायिकाओं को केंद्रीय कर्मचारी घोषित करें, श्रमिकों का दर्जा उन्हें दिया जाए, उसे मिले जिसे रिटायरमेंट पर या कार्य अवधि में मृत्यु की स्थिति में एक मुश्त यहाँ पर 5 लाख रुपए दिए जाएं। राज्य सरकार द्वारा अनुकंपा पर नियुक्ति नियमावली बनाई गई है, उसमें सुधार किया जाए। सेविकाओं और सहायकों को यहाँ पर ग्रेच्युटी पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के यहाँ पर कार्यान्वयन पर तुरंत स्टेप यहाँ पर लिया जाए। तो इस तरीके की बातें भी यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है। जोहार।